में आप सभी का स्वागत है। मैं साध्वी देवयोगिनी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। आज हम बात करेंगे इंडाइजेशन के बारे में। इंडाइजेशन अर्थात अजीर्ण, अपच। योग एक सार्वभौमिक सत्य है। सदियों से या कहें फिर युगों से वेदों में, पुराणों में, श्रीमद् भगवद गीता जी में, दर्शनों में, सब में योग का वर्णन होते आया है। भारतीय दर्शनों में योग का सर्वाधिक महत्व है। योग इतना सार्वभौमिक, इतना विस्तृत विषय है कि 6 दर्शनों में से एक विषय सिर्फ एक योग दर्शन पर आधारित है। वर्तमान युग में देखा जाए तो यह समस्या वृद्धों में, युवाओं में, बालकों में, सब में पाई जा रही है। इसका सबसे मुख्य कारण है हमारा लाइफस्टाइल। व्यक्ति की जब जीवन शैली ठीक नहीं होती तो उसे व्याधियाँ घेरना शुरू कर देती हैं और धीरे धीरे व्यक्ति की समझ से बाहर हो जाता है कि वह इन रोगों से कैसे उभरे। योग एक ऐसी जीवन शैली है, एक ऐसी विधा है जिसे जीवनदायिनी कहा जाता है। इंडाइजेशन के मुख्य कारणों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, आपका समय से न सोना, समय से न जगना, समय पे न खाना, रात को विलंब से सोना, सुबह देर में जगना, या फिर आपका स्ट्रेस लेना, अधिक खाना, कम खाना, ये सब चीज़ें आपको इंडाइजेशन का शिकार बनाती हैं। तो आइए अब जानते हैं क्या है इसके उपाय। हम सबसे पहले प्राणायाम के विषय में जानेंगे कि इंडाइजेशन के लिए कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए। इंडाइजेशन में आसन के साथ प्राणायाम करें तो अधिक लाभ होता है। जैसे कि हम सबसे पहले करेंगे मंडूकासन। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं, दोनों पैरों को घुमा के वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके अपनी नाभि के आसपास रख के लंबी श्वास लीजिए, श्वास बाहर, पेट को अंदर खींचकर सामने झुक जाएंगे। मंडूकासन के साथ साथ कपालभाति करने से आपके पेट पर जोर पड़ता है। आपका आमाशय, उसकी आसपास की नसें, मसल्स, उनका संकुचन होता है। उनका संकुचन होने से वह स्वस्थ होती हैं। आंतों पर दबाव पड़ने से अर्थात आकुंचन होने से आपकी आंतों की स्वाभाविक एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे आपकी आंतें स्वस्थ रहती हैं। मंडूकासन के साथ साथ कपालभाति करने से इसमें अधिक लाभ होता है। अब इसके बाद हम करेंगे योग मुद्रासन। फिर से दंडासन में आ जाएंगे, कमर सीधी रखेंगे, हाथ पार्श्व भागों में। हम योग मुद्रासन के लिए सबसे पहले हम पद्मासन लगाएंगे, एक पैर को उठा के दूसरी जगह पे, दूसरे पैर को उठा के दूसरी जगह पे। दोनों हाथों को बाई हथेली नीचे, दाई हथेली उसके ऊपर, दोनों को रखेंगे पेट पर और श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने झुक जाएंगे। इस आसन को भी कपालभाति के साथ करने से अधिक लाभ होता है। इंडाइजेशन में लगभग 5 मिनट तक या फिर 5 से 10 मिनट तक लगातार करने से यह इंस्टेंट बेनिफिट देता है। यदि शरीर में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी हो तो आप ठोड़ी को जमीन तक लगाने की कोशिश करें। और इंडाइजेशन के मुख्य कारणों में से एक आता है स्ट्रेस लेना। व्यक्ति जब इस भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव लेना शुरू करता है, छोटी छोटी चीज़ों पे उसे तनाव होना शुरू हो जाता है। तनाव होने से उसके मस्तिष्क की जो नसें हैं उन पे स्ट्रेस पड़ने लगता है। आपका मस्तिष्क थका होगा तो वह आपके पेट से सीधा संबंधित है, आपको इंडाइजेशन की समस्या आएगी। तो उसके लिए सबसे अच्छा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो आपका मस्तिष्क शांत रहेगा, आपके शरीर की सभी क्रियाएँ सुचारू रूप से चलेंगी और आपका पेट भी स्वस्थ रहेगा। तो आइए एक बार जानते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करेंगे। अपने हाथों में वायु मुद्रा लगाएं,
तर्जनी अंगुली को अंगुष्ठ के मूल भाग में लगाकर बाकी सब उंगलियां खुली रहेंगी। अपनी दाई नासिका पे मीन्स राइट नोस्टल को बंद करेंगे। लेफ्ट नोस्टल से लंबी गहरी श्वास लेंगे। फिर अपने लेफ्ट नोस्टल को क्लोज करते हुए राइट नोस्टल से एक्सहेल करेंगे। फिर इसी तरफ से फिर से इनहेल, फिर लेफ्ट साइड से एक्सहेल। इसी तरह आप इसे लगभग 5 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। अब ये थी प्राणायाम की बात, अब आते हैं आसनों पे। किन किन आसनों से इंडाइजेशन में लाभ मिलता है तथा वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। हम बिना प्राणायाम के अब आसन करेंगे। सबसे पहले हम फिर से मंडूकासन करेंगे। मंडूकासन के लिए फिर से दंडासन में बैठ जाइए। दंडासन से पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति में दोनों हाथों को पहले की तरह ही मुष्टिबद्ध करके अर्थात मुट्ठियां बंद करके नाभि के आसपास रख के श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने झुक जाएंगे। इसमें बिना प्राणायाम के यदि मंडूकासन किया जाता है तो श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच के श्वास को थोड़ी देर होल्ड करना है। इससे आपका पेट का अच्छी तरह से आकुंचन संकुचन अर्थात आपके पेट की एक्सरसाइज अच्छे से होती है। पेट में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब की एक्सरसाइज होती है, उन सब की मसाज होती है। जैसे आप देखते हैं कि मशीनों पर जब तेल लगाया जाता है तो मशीनें अच्छे से कार्य करती हैं, उसी तरह जब हमारे शरीर के अंगों की भी एक्सरसाइज होती है, उसे मसाज मिलती है, तो वह भी सुचारू रूप से कार्य करते हैं। मंडूकासन से धीरे धीरे वापस आते हुए आइए अब हम करेंगे योग मुद्रासन। योग मुद्रासन के लिए पुनः जाएंगे हम दंडासन में। दंडासन से लगाएंगे हम पद्मासन। दोनों पैरों को बारी बारी से जंघाओं पर रखते हुए पद्मासन। पद्मासन में दोनों हाथ पेट पर रखते हुए धीरे धीरे सामने झुक जाएंगे। इसमें भी श्वास की प्रक्रिया वही रहेगी कि आप श्वास बाहर छोड़ के थोड़ी देर होल्ड करेंगे। धीरे धीरे वापस आते हुए अब करेंगे हम अगला आसन जो कि है गोमुखासन। गोमुखासन करने के लिए आप वापस दंडासन में आइए। गोमुखासन आपके पेट के साथ साथ आपके ऊर्ध्व शरीर के पूरे भाग को अर्थात धड़ को भी पूरी तरह से स्वस्थ रखता है। गोमुखासन करने के लिए हम एक पैर को फोल्ड करके उसके ऊपर से दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे। जो पैर आपका ऊपर है उसी हाथ को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। लेफ्ट को पीछे की तरफ से ले जाकर दोनों हाथों को आपस में पकड़ लेंगे। आपकी कमर गर्दन एकदम सीधी। आप इसमें साथ साथ कपाल भाती भी कर सकते हैं। उदर रोगों में कोई भी आसन के साथ कपाल भाती अत्यंत उत्तम है। धीरे धीरे हाथों को छोड़ते हुए अब इसी को करेंगे हम दूसरी तरफ से। दूसरी तरफ से करने के लिए आप राइट लेग को नीचे रखेंगे, लेफ्ट को ऊपर। दोनों को क्रॉस करते हुए जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड को पीछे लेके गए, राइट को भी, और दोनों को पकड़ लिया आपस में। कपाल भाती के साथ साथ करेंगे। इस आसन से आपके गर्दन से लेकर पूरा धड़, पूरी मसल्स पूरी तरह से खुल जाती हैं। एक तरह से आपका रक्त संचार
सुचारू रूप से होने लगता है। शरीर में बहुत सारे रोग रक्त संचार अच्छे प्रकार से न होने से होते हैं। रक्त संचार में कहीं भी गड़बड़ी आती है, अर्थात ब्लड सर्कुलेशन में कहीं भी कोई ब्लॉकेज आती है, तो उससे आपके शरीर की क्रियाएं धीरे धीरे खराब होने लगती हैं, अर्थात उनमें गड़बड़ आने लगती है। तो गोमुखासन करने से आपके उदर के साथ साथ आपका धड़ अर्थात ऊपरी भाग, कमर से ऊपर का भाग पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। अब आइए इसके बाद करते हैं हम अर्धमत्स्येंद्र आसन। अर्धमत्स्येंद्र के लिए अब वापस आएंगे दंडासन में। दंडासन से आपने एक पैर को क्रॉस किया, उसको अंदर मोड़ा, दूसरा घुटने को खड़ा करते हुए यहीं पे रखेंगे। लेफ्ट हाथ को पहले उठा के ऑपोजिट पैर के पीछे से क्रॉस करते हुए पैर को पकड़ने की कोशिश कीजिए। हाथ को धीरे धीरे पीछे कमर पे रखते हुए गर्दन को भी पीछे मोड़ देंगे। इस आसन में भी वही बात है, यदि आप इसे कपाल भाती के साथ करेंगे तो आप पूर्ण लाभ उठा सकेंगे। वापस धीरे धीरे दोनों पैरों को दंडासन में ले आएंगे। आसनों को करते करते, लगातार करते करते यदि थक जाएं तो बीच में थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लें। पैरों की उंगलियों को आगे पीछे पूरा पंजों को आगे अपनी तरफ खींचेंगे। आप कोई भी क्रिया, प्राणायाम में तो अपने आप ही श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है, पर यदि आप सूक्ष्म व्यायाम में और आसनों में श्वास प्रश्वास के साथ क्रिया करते हैं तो वह आपको अधिक लाभ देती है। तो आप सूक्ष्म व्यायाम को ऐसे ही कर सकते हैं, श्वास के साथ आगे गए पैर तो श्वास बाहर, फिर अपनी तरफ खींचा तो श्वास अंदर। अब इसके बाद हम कुछ आसन लेट के करेंगे। अभी हमने जो आसन किए वह अजीर्ण के लिए ही बैठ के किए जाते हैं, और अब इसके बाद हम कुछ आसन लेट के करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे, हम सबसे पहले शवासन की स्थिति में लेट जाएंगे। अपने दोनों हाथों को पार्श्व भागों में सटा लेंगे। सटाने के बाद अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर 30 डिग्री के एंगल तक उठाएंगे, और इसके साथ साथ करेंगे हम कपाल भाती। धीरे धीरे वापस आएंगे। जैसे बैठकर किए जाने वाले आसनों की शुरुआत दंडासन से की जाती है, वैसे ही लेटकर किए जाने वाले सभी आसनों की शुरुआत शवासन से करते हैं। आइए अब इसके बाद करेंगे हम नौकासन। धीरे धीरे हाथों और पैरों दोनों को उठाते हुए एक स्थिति में आकर रुक जाएंगे, और साथ में करेंगे कपाल भाती। धीरे धीरे वापस। अब किसी भी आसन से वापस आते वक्त आप उठेंगे तो उठेंगे बाईं करवट लेकर। आप धीरे धीरे बाईं करवट लेकर उठिए, वापस दंडासन में बैठेंगे। अब इसके बाद अगला आसन करेंगे हम सेतुबंधासन। सेतुबंधासन आपके पेट के लिए, कमर के लिए, सब चीज़ों के लिए अच्छा है, पर ये बहुत अच्छा है इनडाइजेशन के लिए। आपके पेट की नसें, आप अभी देखेंगे कि आपका पेट पूरा स्थिति में आ जाता है, अर्थात आपकी पेट की मसल पूरी खिंच जाती हैं, जिससे आपके पेट की मसाज अच्छे से होती है, और जितने अच्छे से मसाज होगी आपका पेट उतने अच्छे से कार्य करेगा। तो आइए अब हम करेंगे सेतुबंधासन। वापस शवासन में लेट जाएंगे। शवासन में लेटकर दोनों पैरों को मोड़कर पास में लाएंगे। दोनों हाथों से, हथेलियों से पैरों की एड़ियों को पकड़ेंगे। धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि इसमें जिस प्रकार से आपकी पेट की स्थिति है, उस प्रकार से उसकी सारी मसल्स, उनकी एक्सरसाइज हो रही है। आप पेट को जितना एक्सरसाइज देंगे वो उतना ही स्वस्थ रहेगा। इसके साथ आप कपाल भाती भी कर सकते हैं।
ध्यान रहे कि इसमें कंधे जमीन पे ही रहेंगे, सर भी जमीन पे रहेगा, बस आपकी कमर उठेगी। यदि आप इसे कपाल भाती के साथ नहीं कर रहे हैं, सामान्यतः कर रहे हैं, तो इसमें श्वास की यह प्रक्रिया रहेगी कि आप लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे और पेट को अंदर खींचेंगे। धीरे धीरे वापस। इस आसन को आप 1-2 मिनट से लेकर 10 मिनट तक कर सकते हैं। आप जितना जल्दी, जितना ज़्यादा लाभ पाना चाहते हैं, आप उतनी देर तक आसन को करें। यदि आप 1 मिनट या 2 मिनट आसन को करेंगे तो आपको ठीक होने में ज़्यादा लंबा समय लगेगा। यदि आप लंबे समय तक आसन करते हैं तो आप वही लाभ जल्दी पा सकते हैं। आइए अब हम बाईं करवट लेते हुए उठेंगे। तो ये हमने देखा कि आसनों के द्वारा हम इनडाइजेशन को, अर्थात अपच, खाना न पचना, जो हम खा रहे हैं उसका पच ही ना पाना, वो कैसे ठीक होता है। आइए अब हम जानते हैं कि आयुर्वेद में और प्राकृतिक चिकित्सा में इसके क्या क्या समाधान हैं। आप देखते होंगे कुछ समाधान हम किसी वेलनेस ट्रीटमेंट सेंटर में जाके ही करा सकते हैं, पर जो ये समाधान जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये समाधान आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं मिट्टी सब जगह मिलती है और आपके घरों पे तो और शुद्ध मिट्टी मिलती होगी, तो जिसे कहते हैं मिट्टी चिकित्सा। हमारे आयुर्वेद में पंच तत्वों की चिकित्सा पाई जाती है। पंच तत्व आप जानते हैं, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु। तो उसमें से जो मिट्टी चिकित्सा होती है, उसे मिट्टी पट्टी कहा जाए अगर, तो एक साफ स्वच्छ कपड़े में इतनी मोटी लेयर आप मिट्टी की भरें, उसे अपने पेट पर रखें। वह मिट्टी पट्टी की चिकित्सा आपके पेट को पूरी तरह से स्वस्थ करने में समर्थ है। यदि आपके पेट की कोई भी गड़बड़ है, आप प्रतिदिन मिट्टी पट्टी लें। और दूसरी चिकित्सा आती है हॉट कोल्ड कंप्रेस, अर्थात ठंडी गर्म पट्टी। ये एक सामान्य, जैसे सिकाई करती हैं दादी नानी घर पे, या आपके घरों में जो भी घरेलू उपचार किए जाते हैं उसमें किसी किसी चीज़ में सिकाई की जाती है, तो वैसे ही आप हॉट कोल्ड कंप्रेस में क्या करेंगे, एक गर्म पानी की पट्टी, एक ठंडे पानी की पट्टी। एक बार गर्म पानी की पट्टी को पेट पे रखिए, फिर थोड़ी देर बाद उसे चेंज करके, लगभग 2-3 मिनट में उसे चेंज कीजिए, दूसरी पट्टी पेट पे रखिए। इस प्रकार आप 5 बार पट्टियों को बदल बदल के रखिए। उससे भी आपके पेट में जो हल्की फुल्की या ज़्यादा गंभीर वाली गड़बड़ रहती है, वो पूरी तरह से ठीक रहती है। क्योंकि पेट को एक ही तरह का खाना देने से भी कई बार वो गड़बड़ हो जाता है। आप रोज़ एक ही प्रकार का अन्न खाते हैं, सब्जी में, दाल में एक ही प्रकार का तेल खाते हैं, तो उससे भी आपके पेट के गड़बड़ होने की समस्या आती है। तो आप अनाज बदल बदल के खाएं, मिलेट्स खाएं, अंकुरित खाएं, चबा चबा के खाएं, दिन भर में पानी अधिक मात्रा में पिएं। आजकल की जीवन शैली में व्यक्ति को अपने आप के लिए ही समय नहीं है। जब वह स्वयं के लिए समय ढूंढने जाता है तो उसे ढूंढना पड़ता है, वह सहज रूप से स्वयं को समय नहीं दे पाता। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, खासकर इनडाइजेशन की समस्या से दूर रहना चाहते हैं, तो दिन भर में खूब पानी पिएं। गर्मियों में कम से कम 12 गिलास, सर्दियों में कम से कम 8 गिलास। प्यास ना लगे तो भी पिएं, एक बार में अधिक ना पिएं, क्योंकि आयुर्वेद में जो रोगों के कारण बताए गए हैं, रोगों के 6 प्रकार के कारण बताए गए, उनमें से एक अत्यंबुपानाद, अर्थात अधिक पानी पीने से भी रोग होते हैं। तो अधिक पानी एक साथ ना पिएं, थोड़ा थोड़ा पिएं, अलग अलग स्लॉट्स में पिएं, उससे भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। पानी की मात्रा, खाना चबा चबा कर खाएं और समय पर खाएं, ये सब चीज़ें आपको इनडाइजेशन के रोग से दूर रख सकती हैं। तो इस प्रकार आपने जाना कि आसन प्राणायाम के द्वारा कैसे इनडाइजेशन की समस्या को दूर किया जा सकते हैं। अब हम जानेंगे एक भारतीय विधा जो एक और है, एक्यूप्रेशर, उसके बारे में जानेंगे कि इनडाइजेशन की समस्या को एक्यूप्रेशर के द्वारा कैसे दूर किया जा सकता है। आपके दोनों हाथ हैं, दोनों हाथ आपके शरीर को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों हाथों में आपके अलग अलग जगह पे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके शरीर के अलग अलग अंगों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि इनडाइजेशन की समस्या अगर देखी जाए तो उधर से संबंधित है, उधर अर्थात पेट। तो पेट की समस्याओं को दूर रखने के लिए ये जो आपके हाथ में ये वाला स्थान है, इसको आप प्रेस करेंगे। आप अंगूठे से भी प्रेस कर सकते हैं, अंगूठे का ये जो टिप वाला भाग होता है, इससे आप इस तरह से प्रेस करेंगे तो आपको उधर के रोगों से निवारण मिलेगा। यहाँ से आप इस पूरे पोर्शन पे भी दबा सकते हैं, ये उधर रोगों के लिए ही एक्यूप्रेशर पॉइंट है। खासकर यहाँ जहाँ अभी दिखाया जा रहा है, यह उधर रोगों के लिए
सबसे अच्छा और सबसे लाभकारी पॉइंट है। इसी प्रकार दूसरे हाथ में भी आप अंगूठे से दबाएं तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। सही तरीके से सही समय पर चीज़ की जाए तो अधिक लाभ देती है। यह हुआ एक्यूप्रेशर पॉइंट। इसी प्रकार से हमारे हाथों की तरह ही हमारे पैरों में भी हमारे सारे शरीर के अंगों के पॉइंट होते हैं, तो हम देखेंगे कि पैरों में भी ये पैर में जो आपका ये वाला स्थान होता है, इस उठे हुए उभरे हुए भाग के थोड़ा सा नीचे, ये हमारे उदर का स्थान है। तो आप अगर तितली आसन में बैठे हैं तो आप देख पाएंगे कि दोनों पैरों के इस वाले भाग पे ये हमारे उदर को प्रदर्शित करता है, मींस ये हमारे उदर का सिंबल है। यदि आप इन पॉइंट्स को दबाते हैं तो आपका उदर पूरी तरह से स्वस्थ रह सकता है। एक बार में कम से कम 10 बार दबाएं। यदि आपको इस पॉइंट पे दर्द है तो आप समझ जाएं कि आपकी समस्या एक गंभीर रूप ले चुकी है। तो आइए अब हम जानेंगे कि आपको खान पान में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। यदि आपको उदर रोगों से संबंधित खान पान का ध्यान रखना है तो सबसे पहली चीज़ कि आप लिक्विड चीज़ें अधिक लें, आप फाइबर वाली चीज़ें अधिक लें। फ्रूट्स में जैसे संतरा हो गया, मौसमी, सेब, उबला हुआ सेब पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। आप एप्पल नहीं खा सकते, बॉइल्ड एप्पल खा लें। मुनक्का है, ड्राई फ्रूट्स है, अंकुरित है, चबा चबा के खाएं। कुछ चीज़ें आप सही तरीके से प्रयोग में नहीं लाते तो भी आपको समस्या करती हैं। आप फ्रूट्स में आसानी से डाइजेस्ट होने वाली चीज़ें खाएं और ध्यान रखें कि आप विरुद्धाहार ना करें। आप सब कुछ अच्छा खा रहे हैं, सात्विक आहार है, पर उसमें कहीं ना कहीं विरुद्धाहार आ जाता है, उससे भी आपके पेट की समस्याएं शुरू होती हैं। तो आप विरुद्धाहार में क्या क्या ध्यान रखेंगे? आप दूध के साथ नमक की चीज़ें नहीं लेंगे, आप अंकुरित और दूध भी साथ में नहीं लेंगे। आप जैसे रायता बनाते हैं तो रायता, लौकी आदि का रायता बनाएं, बूंदी का रायता बनाएं, खीरे के साथ रायता ना बनाएं। ये सारी चीज़ें जो विरुद्धाहार में आती हैं और हमारे घरेलू उपचारों में या हमारे घरों पे जो पता होती हैं पहले से, तो वो विरुद्धाहार वाली चीज़ें ना करें। जो भी दो आहार आपस में मिलकर विष उत्पन्न करते हैं, हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते, वो चीज़ें ना खाएं। तो इस प्रकार हमने जाना कि कैसे योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा से हम स्वस्थ रह सकते हैं और इंडाइजेशन जैसी गंभीर बीमारी को दूर कर सकते हैं। हम आगे भी इसी प्रकार के विषयों को लेकर उपस्थित होते रहेंगे। तब तक देखते रहिए इंडिया टीवी। धन्यवाद।